हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और दुआ करती हूँ आप सब अच्छे रहो, सेफ रहो। तो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ सेड हूँ, बहुत ज़्यादा सेड हूँ। तो आज मैं थोड़ी दुखी हूँ क्योंकि मैं आज खुश नहीं हूँ। और फ्रेंड्स कहते हैं ना फ्रेंड्स, अगर हम बड़ों पे अगर कुछ प्रॉब्लम आए ना, तो हम फिर भी उसे बर्दाश्त कर सकते हैं, उसे हम सहन कर सकते हैं। पर जब किसी बच्चे के ऊपर कुछ मुसीबत आए ना, तो ये कोई बर्दाश्त नहीं कर सकती। और गाइस, मेरी लाइफ में दो दो मुसीबत एक साथ आ गई। मैंने ये बात किसी से शेयर नहीं की क्योंकि ये सब बातें मुझे लगा शेयर करना चाहिए या नहीं, बट आप सब मेरी इतनी बड़ी फैमिली मेंबर बन चुके हो, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं छत पे आई हूँ, बिल्कुल भी आज सुबह से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और आपको मैं क्या बताऊं कि क्या हुआ है फ्रेंड्स, कोलकाता में मेरी दी रहती है, आप सबको पता है कोलकाता मेरा मायका है, और मेरे बड़े पापा की बेटी भी कोलकाता में ही रहती है। तो उनका बेटा दो दिन पहले नीचे शैम्पू लेने के लिए उतरा और गायब हो गया। दो दिन तक वो नहीं मिला। जब मुझे ये बात पता चली ना कि दी का बेटा नहीं मिल रहा है, और वो रात भर नहीं मिला, मुझे लगा ठीक है सुबह गया है तो हो सकता है कहीं इधर उधर गया होगा, शाम तक वो आ जाएगा। और वो थोड़ा सा सीधा भी है और उसके पास एक रुपये भी एक्स्ट्रा नहीं थे। मैं ये सोच रही थी कि वो बच्चा रात भर, उसने दो दिन कैसे निकाले होंगे। मुझे ये लग रहा था ना कि उसने दो दिन निकाले कैसे होंगे, दो दिन वो कहाँ रहा होगा। मैं यही सोच सोच के बहुत अजीब सा मुझे फील हो रहा था। जब मुझे ऐसा फील हो रहा था, तो उस माँ के ऊपर क्या गुजर रही होगी जिस माँ का बेटा उसे नहीं मिल रहा है। तो सुन के अच्छा नहीं लगा फ्रेंड। और दो दिन के बाद भगवान की कृपया से हम सबकी दुआओं का भगवान ने सुना और हमारा बच्चा घर आ गया, हमें मिल गया। वो हावड़ा ब्रिज में एक कोने पे बैठा हुआ था और वो मिल गया हमें। तो भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमें मिल गया। और जैसे ही हमें ये खुशी मिली कि मुझे मेरा भांजा मिल गया, तो अगले ही दिन सुबह मेरे देवर के बेटा है, छोटा सा, एक साल का हुआ है अभी, और जिसको आपने मेरे वीडियो में देखा ही है, उसके हाथ पूरे जल गए। उसके हाथ, उसने गरम गरम पानी में अपना हाथ डाल लिया और एकदम गरम गरम पानी में, पता नहीं उसने कैसे अपना हाथ डाला। और जैसे ही मैं जब सोकर उठी, तो मैंने देखा कि उसका हाथ, वो डॉक्टर के पास से आ चुका था और उसका हाथ पूरा पूरा का पूरा फाला से भर चुका है। वो बच्चा मतलब बार बार वो अपने हाथों को देखकर रो रहा है। मैं जैसे ही मैं देखी, मुझसे देखा नहीं गया, मेरे तो हालत ख़राब हो गई। देखो मेरे क्या है ना दोस्तों, हम बड़ों के बीच कुछ भी हो, बट किसी के भी बच्चे के साथ अगर कुछ भी किसी के बच्चे को हो ना, तो मुझे बहुत अजीब सा फील होता है। और यही सब सोच सोच के सुबह से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बट अभी वो ठीक है और अभी टाइम लगेगा उसे ठीक होने के लिए। और दी का बेटा घर आ चुका है, वो भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और दो दिन से उसने कुछ नहीं खाया था, तो मुझे बस ये फील हो रही थी कि यार किसी के बच्चे के साथ अगर ऐसा हो, तो उसकी माँ के ऊपर क्या
क्या बीतती होगी। मैं तब से यही सोच रही थी कि दी की क्या हालत हो रही होगी, सभी कोई रात भर खोजते रहे उसे, खोजते रहे और सबकी दुआ रंग लाई और वो मिल गया। और बाबू अभी ठीक है, उसे अच्छा नहीं लग रहा है, अजक हो रही है, बट अभी वो ठीक है। खतरा थोड़े से में ही टल गया, तो भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि भगवान भगवान मुसीबत दे तो हम बड़ों को दे। बच्चों को, इतने छोटे से बच्चों के साथ ऐसा हो तो अच्छा नहीं लगता। तो फ्रेंड्स, इसलिए आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और कोई व्लॉग्स बनाने का मन भी नहीं कर रहा था। तो इसलिए कहते हैं कि मुसीबत कब, कैसे और किस रूप में आ जाए ये कोई नहीं जानता। तो प्लीज़ आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि एक बच्चे को जरा सी भी चोट आती है ना तो कोई माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती, और मैं तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, किसी को भी चोट लगे ना तो मेरी जान निकल जाती है, मुझे ऐसा फील होने लगता है कि ये क्या हो गया। तो सॉरी फ्रेंड्स, अब सब कुछ ठीक है और ठीक हो जाएगा सब कुछ। और आप सब इतना सोचते हो मेरे लिए और मुझे इतना प्यार करते हो, मेरी इतनी सपोर्ट करते हो, इसलिए मैंने सोचा मैं अपने हर सुख दुख आप सबके साथ बांटूं। आप सब मेरी इतनी बड़ी फैमिली हो, हर कोई मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरे वीडियो को सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं और मुझे भी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। तो बस यही बातें आपसे करनी थी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और अपना और अपने बच्चों का पूरे अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है, बाय। तो फ्रेंड्स, देखो कितना, आप खुद ही देख लो। और यही है वो बच्चा, ये देखो, एक छोटा सा बच्चा जो मेरे साथ इतनी मस्ती करता है और मेरे लड्डू को इतनी जोर लग गई, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बट हम कुछ कर नहीं सकते और ठीक हो जाएगा। गाइज, आप लोग भी प्रे करना, जल्दी से ठीक हो जाए ये। तो चलो अब मैं चलती हूँ, बाय गाइज, टेक केयर।